जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब मैं अमीर हो चुका हूँ, मुझे रोकेगा कौन? बॉस कविता तो अच्छी है, लेकिन जब भी आप बोलते हो ना मुझे रोकेगा कौन, मोटू कहीं ना कहीं से आ जाता है आपको रोकने के लिए। उस शैतान का नाम मत लो, वरना कहावत है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। जॉन, जॉन वो रुपए मेरे हवाले कर दो, वरना पीट पीट के चूचू का मुरब्बा बना दूंगा। देंगे ना तुमको रुपया, चाहे दिन भर बजाओ बीन। तुम हो यहाँ अकेले और हम हैं तीन तीन। ये बात है तो लो, मैं तुम तीनों की बीन बजा देता हूँ। मोटू से पीछा छुड़ाने का कोई तो तरीका होगा। मोटू अंदर पागल हो गया है, पता नहीं क्या उल जुलूल बक रहा था। समोसे नहीं खा रहा था, कहता है उसकी आत्मा समोसे नहीं खाती। ओ, तुम पतलू से मिलने स्कूल गए थे? क्यों मेरा दिमाग खराब करने में लगे हो? पतलू तो तुम हो, मैं मोटू के पास गया था यार। ओहो, मैं समझाता हूँ। दरअसल उसके बदन में मेरी आत्मा है और मेरे बदन में उसकी आत्मा। जब उसके बदन में मेरी आत्मा है तो वो पतलू है। एक मिनट, फिर से बताता हूँ। बस करो, बस करो, अब तुम भी शुरू हो गए। तुम्हारी आत्मा समोसे खाती है तो खा लो, ये रखे हैं और मुझे बख्श दो, मैं पागल नहीं होना चाहता। समोसे चाहो। पतलू के बदन पे मोटू का साया है, लगता है पतलू से मार खाने का वक्त आया है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, बच्चों को छोड़ो, मोटू को उठाओ। जब तक मोटू हमारे कब्जे में है, पतलू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। बाबा जॉन द डॉन, पहचान मैं कौन? मैं आ रहा हूँ। पतलू में आ गया, डरने की कोई बात नहीं है। मोटू बचाओ, जल्दी बचाओ। ये क्या बात कर रहे हो? वो पतलू है, तुम मोटू हो। नहीं नहीं, मैं पतलू हूँ, वो मोटू है। उसके अंदर मेरी आत्मा है और मेरे अंदर उसकी आत्मा है। पतलू तुम ठीक तो हो? हाँ मोटू, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्या चक्कर है बाबा? मोटू तुम अगर पतलू हो और पतलू तुम अगर मोटू हो तो फिर मैं कौन हूँ? तुम आकाशवासी हो, यानी कि आकाश के निवासी। वो कैसे? ऐसे बाबा, जहाँ बॉस वहाँ हम। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। मेरी एक मशीन से मोटू पतलू की आत्मा आपस में बदल गई है, लेकिन मैं अब उसका इलाज ले आया हूँ। ये देखो स्प्रे, इसे स्प्रे करते ही दोनों की आत्मा आपस में फिर बदल जाएगी। मैं ठीक हो गया। जय हो बड़े भैया, मैं भी ठीक हो गया। ओए कसम मेरे मासूम, ओए मेरे यार, मेरे भाई, छोटे भरा, रुक जा रुक जा, मेरा बदन वापस करो। अब तुम सब जाओ और जैसा कहा वैसा करना। यस बॉस। आओ साहब। मोटू, मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ, हीरो से जीरो बनाने आया हूँ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है ना नंबर 2? पतलू जी, पतलू जी, हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। पतलू जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ओ पतलू जी आपके साथ एक फोटो प्लीज। ए मोटे भाई साहब आप जरा साइड हटो, हमें पतलू जी के साथ एक फोटो खिंचवानी है। थैंक यू। स्माइल प्लीज। मोटू ये क्या हो रहा है? सब शबाशी पतलू अकेले ही ले रहा है। वो सबको कहता फिरता है कि सारे अपराधी वो खुद अकेले ही पकड़ता है। नहीं नहीं पतलू ऐसा कह ही नहीं सकता, वो मेरा दोस्त है। हेलो मैं कल तक का रिपोर्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। बॉस को फोन दो, उन्हें कहो कि मैंने पतलू सर का इंटरव्यू ले लिया है। पतलू जी ने कहा है कि मोटू जी तो सिर्फ खाने में ही बिजी रहते हैं, सारे अपराधी पतलू जी अपनी अकल से ही पकड़ते हैं। जी नहीं सर, अब मोटू पतलू जी का दोस्त नहीं उनका चमचा है, वो पतलू जी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, ये पतलू जी ने खुद मुझसे कहा है। सर 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 मैं कह रहा था कि मोटू मेरी नजर में तो तुम ही हीरो हो। आज तक मैं जब भी पकड़ा गया हूँ तुमने ही पकड़ा है। ले लो समोसे खाओ और जाके उस भीड़ को सबक सिखा दो, उन्हें बता दो कि बॉस कौन है और चमचा कौन है। तुम्हारा चमचा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। देखा मैं क्या कर सकता हूँ। मोटू तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे अकेले रह सकता हूँ, समझे? मोटू ये लो मेरे ट्रक की चाबी, तुम ट्रक लेके जाओ और शहर के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। हम दुनिया को दिखा देंगे कि तुमको पतलू की कोई जरूरत नहीं। मोटू रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? जान बनेगा जान, जान बनेगा। नहीं मेरा ट्रक, इसकी ही कमी थी। मोटू रुको रुको, तुम यहाँ भी आ गए? अरे क्यों अपनी जान देने पे तुले हुए हो? तुम्हारे बिना इस जिंदगी का क्या मतलब? लेकिन तुम तो कहते हो कि मैं तुम्हारा चमचा हूँ, तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। ये झूठ है, ये सब जॉन की चाल है। मैं तुम्हारे बारे में कैसे ऐसा बोल सकता हूँ? तुमने मुझे कई बार बचाया है, याद है एक बार तो तुमने मुझे शेर से बचाया था। मोटू बचाओ। छोड़, खबरदार मेरे दोस्त को छुआ भी दो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ और हमारी दोस्ती के गाने भी तो बने हैं। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। ये तुम दोनों कौन सा खेल खेल रहे हो? मेरा तो जीना हराम हो गया, मैं आदमी था काम का, नाकाम हो गया। जॉन तुम सच बताओ, तुमने क्या चाल चली थी? मोटू को कैसे भड़काया बताओ, वरना तुम्हें नीचे खाई में फेंक देंगे। बताओ, ये सब मेरी चाल थी। वो प्रेस रिपोर्टर, वो फैंस सब मेरे आदमी थे। मैं तुम दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहता था। पतलू मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ गया। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ये लो इस ट्रॉफी के असली हकदार तुम हो, तुम्हारी ताकत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम्हारी है। तुम लो, तुम्हारी है। तुम लो, ये लो ट्रॉफी तुम्हारी है। तुम लो, ट्रॉफी तुम्हारी है। ये क्या कर रहे हो? देखो भाई लड़ना झगड़ना बुरी बात है, तुम दोनों पक्के दोस्त हो। रुक जाओ, दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अभी नहीं रुके तो दोस्ती के लायक नहीं रहोगे। मोटू और पतलू कभी नहीं सुधरेंगे। चिंगम सर इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? कितने दिन हो गए किसी को नहीं कहा। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। कितने दिनों से किसी को नहीं कहा। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। लेकिन क्यों नहीं कहा? कोई भी अपराधी पकड़ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं सबके सब कहाँ चुप गए। चिंगम सर, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला करे कि जो अपराधी जहाँ है वो अपने आप आपके पास आ जाए और आप उसे जेल में डाल दो। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? अपराधियों की बरसात। पतलू, ये क्या मांग लिया तुमने? पत्थर मुझे दो और भागो। हम अपने ट्रेन में थे और यहाँ आ गए। कोई हमें बता दो कि हम कहाँ आ गए। ड्राइवर, स्पीड बढ़ाओ, एक्सीलेटर दबाओ, वो बच के जाने ना पाए। कविता में मजा नहीं आया। एक दिन भर क्या कविता ही सुनाता रहो। मैंने क्या कवि सम्मेलन लगा रखा है? मोटू, जल्दी कुछ करो, वो लोग पत्थर छीन लेंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, पत्थर इधर दो। उड़ने वाले कारपेट, जल्दी से आ जाओ और हमें यहाँ से उड़ा ले जाओ। अब कोई नहीं पकड़ सकता। ड्राइवर, झटका कार को उड़ाओ जल्दी। ओ, ये ड्राइवर नौकरी छोड़ रहा है। तुम ही उड़ा लो ये कार। कारपेट में उड़ने को कहा था, लटकने को नहीं। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। रुक जाओ। मोटू, पत्थर गिर गया। स्टॉप। अरे बाबा, हम किसी छोटा हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाऊं? मोटू पातलू का कारपेट गायब हो जाए। हसीना का प्लेन गायब हो जाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। आज का दिन मुबारक था, है और हमेशा रहे। वाह बॉस, वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, मोटू को विश करो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मोटू, आज का दिन मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तुम्हें कितनी बार पकड़ के जेल भेजा, लेकिन तुम मुझे फिर भी विश कर रहे हो। और मेरे खास दोस्तों को मेरा जन्मदिन याद तक नहीं। एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। अपने इमोशन को कंट्रोल करके बताओ, किसको क्या याद नहीं। क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे जिस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हो वो बात, लेकिन वो बात तो सिर्फ मुझे ही पता है। तुम्हारे दोस्तों को कैसे पता होगी? ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम्हें पता है? आज के दिन ही मैंने क्राइम करना शुरू किया था। आज के दिन ही मैंने डॉन बनने का सपना देखा था। मुबारक हो आज का दिन। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विश मी बाबा। अरे ये तो बता दो कि क्यों मार रहे हो? ये जानना मेरा हक है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर झटका की दवा खा के हमारा ये हाल हो गया। अब आएगा मजा तुम्हारे हर कर्मों की। अब मैं दूंगा सजा। धोबी घाट में कपड़ों की तरह फटकूंगा, गीले कपड़ों की तरह झटकूंगा, मारूंगा 100 लेकिन 10 गिनती पे ही अटकूंगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ना नंबर 2? हाँ? कविता को छोड़ो, मोटू को पकड़ो। बचाओ, बचाओ। ये लो समोसा खाओ और शुरू हो जाओ। अरे इसकी महक ही अच्छी नहीं लग रही, खाओ कैसे? मारो इसे और मारो। आज तक का पूरा हिसाब बराबर करना है, सूद ब्याज के साथ। अरे उस मोटे पतलू को भी पकड़ो। पतलू खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया। चिंगम सर आ गए, चिंगम सर आ गए। मारो मारो प्लीज, हमें मारो। चिंगम सर ने आपको मारने की परमिशन दे दी है। जान प्यारी है तो भागो। चलो अब डॉक्टर झटका के पास चलते हैं। मोटू मेरे बड़े प्रा, मेरे यार, ये देखो, ये दवा खा के तुम दोनों का वजन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मोटू पतलू ऐसे ही अच्छे हैं। मैं जब चाहे इन्हें मार सकता हूँ और अब ये मुझे डॉन बनने से नहीं रोक सकते। ये दवा इन्हें कभी नहीं मिलेगी। बाय बाय, भागो। जान प्यारी है तो भागो। दबा दो। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हिम्मत है तो ले लो। एक और बार। अय्या मां, ये क्या हो रहा है? अरे मिस चिंगम, कमर टूट गया जी। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। जॉन हमारी दवा वापस कर दो, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। अब तुम दवा छीन नहीं सकते। नहीं। ये क्या किया तुमने? पूरी बोतल खाली। ये क्या हो रहा है? अरे रोको, बचाओ। वो तो चला गया, लेकिन अब जल्दी से हमें दवा खिला दो और वापस ठीक कर दो। ओए मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे पास तो उतनी ही दवा थी, अब कुछ नहीं कर सकता। क्या? इसे छोड़ना नहीं। पतलू, हमने ये भेष क्यों बदला है? ताकि जॉन हमें देख के भाग ना जाए। मोटू पतलू, तुम अगर शेर हो तो जॉन द डॉन सवा शेर है। तुम दोनों गीदड़ हो तो जॉन द डॉन शेर है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। वो गए मोटू पतलू चिंगम के साथ। अब हम दूसरी तरफ चोरी करने चलते हैं। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। चूचू के मुरब्बे, नींबू का अचार, मैं कवि नहीं जो सुनाऊं कविता बार बार। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता छोड़ो, चोरी करने चलो। पसली तोड़ रहे हो, क्रेन रोको। अरे हम रुक गए तो जॉन भाग जाएगा, तुम उसे पकड़ लो, मैं तुम्हें उसके पास लेके जा रहा हूँ। पतलू तो कहीं और था, यहाँ कैसे आया? मोटू पतलू ने ये कैसा चक्कर चलाया? अगर वो बलून थोड़ा और ऊपर होता तो पूरे फुरफुरी नगर वालों को हमारे बैंक का नाम दिखाई देता। चलो उसकी गैस थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मोटू जल्दी से नॉब फिक्स करो, ये गैस तो भरती जा रही है। इंस्पेक्टर चिंगम, हैंड्स अप! अरे माँ, ये क्या कलयुग आ गया है? खुद हैंड्स अप करने की बजाय इंस्पेक्टर से हैंड्स अप करवा रहे हो। हाँ। मैं हूँ जॉन और जॉन बनेगा डॉन। नंबर वन, नंबर टू, तिजोरी साफ करो। अभी लो बॉस। बिना गुटली के खजूर, सफेद चेहरे के लंगूर। तिजोरी साफ करने से मतलब है तिजोरी के रुपए निकालो। अच्छा, मोटू जल्दी कुछ करो, ये बैंक तो बलून के साथ ही ऊपर उड़ने वाला है। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया, बैंक को नीचे से पकड़ के खींचो, शायद ऊपर जाने से रुक जाए। जॉन मेरे पाई, मेरे यार, ऐसा मत करो, बैंक खुलने से पहले ही बंद मत करो मेरे यार। तुम सबको कानून की कसम, हाथ ऊपर ही रखना वरना बाय बाय, सी यू, टाटा। निकल लो, चलो जल्दी, और तेज, और तेज। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब मैं हूँ करोड़पति, मुझे रोकेगा कौन? बस कविता तो अच्छी है, लेकिन हमारी लोकेशन अच्छी नहीं है। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है, देखो सफेद बादल, ठंडी हवा, पंछियों के झुंड उड़ के हमारे बगल से जा रहे हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। बस पंछियों के झुंड आसमान में उड़ते हैं, जमीन पे नहीं। नीचे देखो जरा। बड़ा भैया सॉरी, एक राज की बात बतानी है। बैंक उठ गया। मोटू हमें मालूम है बैंक लुट गया, हमारे सामने ही लुटा है। नहीं डॉक्टर झटका, बैंक उठ गया। सॉरी, वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। उड़ी बाबा, बैंक चिंगम के सामने लूट गया और वो कुछ नहीं कर सका, तो तुम दोनों क्या करते? मैं तो बैंक की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, इसलिए बैंक लूटा। ले लो अपने रुपयों को, बैंक वापस लो। ए मोटू, ये लो रुपए वापस आ गए, अब रोना बंद करो, बैंक नहीं लूटा है। हाँ हाँ। अरे जॉन द डॉन, अगर तुम ये प्रोग्राम रुकवा दो तो हम तुम्हें 10 दिन तक फ्री समोसे खिलाऊंगा। अब बोलो क्या बोल रहे हो? ओ जी ये प्रोग्राम रुकवा दो बस। तुम हमें जो कहोगे वो देंगे। 1000, 2000, 5000, 10000 जो कहोगे वो देंगे। अब ना बजेगा बाजा, ना होगा यहाँ डांस। जल्दी से दे दो मुझे 10000 एडवांस। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है ना नंबर 2? चिंगम सर, वो जॉन द डॉन हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले गया। जल्दी कुछ कीजिए। आया माँ, पहली बार जॉन ने कुछ अच्छा काम किया है। सिर्फ मैं नहीं, पूरा पुरपुरी नगर आज उसके साथ है। डॉक्टर झटका, अब आप ही कुछ करो जल्दी। ओए एक मिनट यार। अब मोटू पतलू तुम दोनों इस पे खड़े हो के ये रोड पकड़ लो जल्दी। बड़े भैया क्या कर रहे हो? अरे चोर को बांधना है हमें नहीं। हमें भारत दर्शन को भेजा था, जॉन तो निकल गया। ओ मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई गुस्सा मत हो यार। नई मशीन है, कुछ भूल गया था। वापस खड़ा हो जा, इस बार जॉन पकड़ा जाएगा यार। हमको दोबारा ये गोल गोल नहीं घूमना। इस बार तुम उड़ के जाओगे, चिंता मत करो मेरे यार। गया मोटू पतलू है बॉस, वो कभी हार नहीं मानते। हम भी हार नहीं मानते। अब भी उन्हें ऊपर पहुंचाता हूँ। तुम दोनों आ तो गए लेकिन वापस नहीं जाओगे। मेरी रिवॉल्वर की गोलियां कहाँ गई? बॉस आप जब 3-4 दिन बीमार थे ना, तो डॉक्टर ने कहा था 2-2 गोली सुबह, दोपहर और शाम आटे में लपेट के खिलाना। क्या तुम मुझे आटे में लपेट के 2 दिन से रिवॉल्वर की गोलियां खिला रहे थे? यस बॉस, हमारे पास तो यही गोलियां हैं। हम उड़ कैसे रहे हैं? जमीन कहाँ गई? नीचे उतारो, नीचे उतारो। पतलू इसे नीचे कैसे उतारते हैं? डॉक्टर झटका इसे नीचे कैसे उतारते हैं? तुम चिंता मत करो मेरे यार, मेरे पाई। बैटरी डाउन होते ही वो पंखे बंद हो जाएंगे और ये नीचे उतर आएगी। हाँ चोरों के घर आए हो क्या? तो तुम लोग रॉक बैंड वाले हो यानी कि अंग्रेजी गाने वाले। हमें अंग्रेजी गाना बहुत अच्छा लगता है। गाओ बजाओ हाथू। ये लोग रॉक बैंड वाले हैं, मैं नहीं। मैं हूँ जॉन, जॉन द डॉन। गाते बजाते नहीं। ठीक है तुम गाओ मत, लेकिन तुम नाचोगे। हाँ मैं नहीं नाचूंगा, हर किस नहीं। मैं हूँ जॉन, मैं हूँ जॉन और जॉन बनेगा डॉन। दुल्हन के गहने सोचो चुराएगा कौन? बस चोरी कौन? अरे बेवकूफों की बारात, मैं चोरी करूँगा मैं, और कौन? चलो हे ऊपर वाले मदद कर, कहीं पतलू की शादी ना हो जाए। देखो बच्चों, अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। ये शादी नहीं हो सकती। ये लुंगी बनियान वाला कौन है? देखो इसे बाहर। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे भगाओ इसे, ये कहाँ से आ गया? ये कौन है? पकड़ो इसे। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ो इन्हें। चोर चोर, कमरे से दुल्हन के गहने चोरी हो गए। इस मोटे पतले ने ही चोरी की होगी, पकड़ो। चोर ने चोरी की होगी, पकड़ो। वो रहा, पकड़ो। अरे भागो, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। अरे हीरो, अरे ये खुशबू। सिंघम सर, ये लीजिए हीरो का हार, और आपका चोर वो आ रहा है। अरे मोटू, ये देखो, थाल भर के समोसे, वो भी एकदम फ्री। हाँ मोटू, क्या कर रहे हो? भुरपुरी नगर की इज्जत का सवाल है, सोचो सोचो। भुरपुरी नगर की इज्जत बड़ी या समोसे? समोसे समोसे मोटू। नहीं नहीं, इज्जत बड़ी है, इज्जत। ये रो क्यों रहे हो? पहली बार चाय वाला फ्री में समोसे खिला रहा था और मैं खा नहीं पाया। भुरपुरी नगर की इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर समोसे? भुरपुरी नगर की इज्जत। अरे क्या कर रहे हो? बस सीधी चलाओ। अगर तुमने ट्रक पकड़ लिया तो ट्रक का मालिक ही खुश होके तुम्हें समोसे खिलाएगा। सच चाहो। मैं तुम्हें जॉन को पकड़ने नहीं दूंगा। देखो विदेशी समोसे का ट्रक, जल्दी चलो। देखो छत से आवाज कैसी, जैसे कुछ गिरा हो। बॉस बॉस, मोटू पतलू है। मोटू पतलू मोटू पतलू, जहाँ भी देखो मोटू पतलू। वाह बॉस, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, दोनों ऊपर जाओ और मोटू पतलू की खातिरदारी करो। बॉस पूछ रहे हैं कि आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा कि गरम? अरे बेवकूफों के सरदार, खातिरदारी का ये मतलब नहीं कि तुम उनको चाय नाश्ता पूछो। लगता है मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा। है मोटू पतलू, ये ट्रक तो तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगा, मैं कह देता हूँ। हाँ ये मैंने क्या कर दिया भाई, सॉरी जॉन भाई, सॉरी। हो हमने ट्रक को बचा लिया। मोटू पतलू ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे हर प्लान को नाकाम कर दिया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। बॉम्ब से उड़ाएंगे टावर को, हमें रोकेगा कौन? वाह बहुत वाह, क्या तवीता तई है। तवीता ते बत्ते तुप कर और मेरे पीते आ। मैं क्यों तुतला रहा हूँ? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो और मेरे साथ आओ। एक बम एक ब्लास्ट और काम खत्म। जल्दी करो जल्दी करो, सीमेंट तोड़ो, बॉम्ब फटने वाला है। ये सारा सीमेंट मेरे ऊपर कैसे गिर गया? चलो कहीं और बॉम्ब फिट करते हैं। एक बम एक ब्लास्ट और ये टावर खत्म। अरे जल्दी से बांधो, जल्दी करो, टाइम कम है। मुझे बचाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। अरे कविता के बच्चे कविता को छोड़ो, मुझे निकालो, बॉम्ब फटने वाला है। मुझे थोड़ा अंदर भेजो ताकि मैं बॉम्ब को पकड़ के स्विच ऑफ कर दूं। बच गया, मुझे बाहर खींचो, बाहर खींचो। उनका बिजनेस चल रहा है, अपना भी चलाओ। उनको बर्बाद करने का कोई तरीका तो बताओ। कुछ बंदर ले जाकर वहाँ छोड़ दो, वो उसके फल फ्रूट सब खा जाएंगे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। छोड़ो मुझे, अरे मैं कोई केला नहीं हूँ। जाओ नीचे असली केले खाओ। मोटू पतलू के धंधे का हमने किया बुरा हाल, अब हम होंगे माला माल, माला माल, माला माल। भागो यहाँ से। मोटू कुछ करो, हमारी दुकान बर्बाद करके वो मजे कर रहा है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया। चलो चलो फ्री चॉकलेट्स मिल रहे, अपने अपने बच्चे लेकर आओ। आ गए आ गए, जिसका हमें था इंतजार वो आ गए। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पैसे तो दो, पैसे तो दो। बस कविता कुछ जमी नहीं। कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो, इन सब से पैसे लो। पैसे दो, पैसे दो। बाहर बोर्ड लगा है फ्री चॉकलेट्स और पैसे मांग रहे हो, हमें उल्लू बना रहे हो। हमें दुकान में बुलाने के लिए ये चाल चली। मारो मारो इसे। अरे मुझे निकालो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? बस बस, ये ऐसे हुआ। मोटू पतलू। मोटू, तुम अपने करोड़पति अंकल से कहो फौरन यहाँ से चले जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें रुपयों के लालच में किडनैप कर ले। मैं कल सुबह ही अपने करोड़पति अंकल को वापस भेज दूंगा। कल सुबह से पहले रात का अंधेरा छाएगा। जॉन द डॉन अंधेरे में तेरे अंकल को ले जाएगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। मोटू के अंकल, इतना तो बताओ रुपए कहाँ छुपाए हैं, मुझे भी तो दिखाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, मोटू के अंकल को ले चलो। अंकल, ये लोग बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं, आप जल्दी से भाग जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना। अंकल भागो यहाँ से, मैं इन्हें रोकता हूँ। एक फौजी कभी भागता नहीं, भगाता है। कर्नल सिंह अटैक। क्या बात है, बर्थडे पार्टी मतलब खूब सारा खाना, केक, पेस्ट्रीज, यम यम। अहो हैप्पी बर्थडे। रुको मोटू रुको, जिसका बर्थडे है उसे तो आ जाने दो, पहले देख तो लो कि अंकल जॉन है कौन। मैं तुम्हें 1 महीने से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उम्मीद है तुमने सब सीख लिया होगा। सीखने का समय चला गया, अब तो सिखाना है। मोटू पतलू को अपने रास्ते से हटाना है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। ध्यान रहे, मोटू पतलू इस चेयर पे थोड़ी देर बैठे रहें, तभी वो पूरी तरह डॉग बनेंगे। उन्हें इसमें बांध देना। सोचो, मोटू पतलू डॉग बने मेरे दरवाजे पे बंधे हुए हैं और मैं रोज उन्हें हड्डियाँ खिला रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। वेलकम। आइए आइए मिस्टर मोटू पतलू, आज आप हमारे खास मेहमान हैं। कई सालों के बाद मैंने अपना बर्थडे मनाया है, सिर्फ आप दोनों को ही केक खाने के लिए स्पेशली बुलाया है। वाह, आप दोनों हमारे खास मेहमान हैं। बैठिए ना, कुर्सियाँ कब से आपका इंतजार कर रही है। ये तो जॉन लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर चलो पहले केक खा लेते हैं, फिर सोचेंगे ये कौन है। आहा, पकड़ लिया। बोलो क्यों भेष बदला है और ये क्या चाल चल रहे हो? जल्दी बोलो वरना अभी यही तुम्हें पीट पीट के धोबी घाट बना देंगे। मैं सब बताता हूँ ये सब क्या है। चलो उधर आराम से बैठो। नहीं हम नहीं बैठेंगे, पहले तुम बैठो। नहीं पहले तुम बैठो, तुम मेहमान हो। पहले तुम। ओके ओके म्यूजिकल चेयर कर लेते हैं कि पहले कौन बैठेगा। नंबर 1 तुम म्यूजिक बजाओ। ओके बॉस। हमारे बॉस जीत गए, हमारे बॉस जीत गए। हम अपने बॉस को कभी नहीं हारने देंगे। और मारूंगा। मोटू जल्दी से बाहर जाने की कोई तरकीब निकालो। क्यों ना जल्दी से वो केक खा ले, बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब फिर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। यहाँ जान पे बनी है और तुम्हें केक खाने की सूझ रही है। अरे तुम जैसा पेटू आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जाओ जाओ जल्दी से उन्हें ढूंढो, जल्दी से उन्हें लाओ। इस चेयर पे बैठा के उन्हें मेरा डॉगी बनाओ। क्या कर रहे हो? अरे यहाँ तक आए हैं तो केक खाए बिना मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे जॉन भैया जब तक तुम्हारे आदमी हमें ढूंढ रहे हैं तब तक कम से कम हमें थोड़ा केक तो खिला दो। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लो। पकड़ो नंबर 1 नंबर 2 जल्दी आओ इन्हें पकड़ो। बाबा बॉस कहाँ है मोटू पतलू? हाँ? यही है, इधर उधर पता नहीं किधर। ढूंढो ढूंढो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम कुछ सोचो। आइडिया। बॉस आप थक गए होंगे, आप बैठो, हम मोटू पतलू को ढूंढ के लाते हैं। ओके ओके जल्दी करो जल्दी करो। ये भयानक आदमी कौन है? ये हैंडसम चेहरा तुम्हारा ही है जॉन। अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें तुम ही एक दिन गिरोगे। एक आम 2 रुपए का है। अगर राम ने 7 आम खरीदे तो उसने कितने पैसे दिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 3 4 1 2 ढाई 3 अरे पतलू बंद करो ये आवाज। देख नहीं रहे कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ? कितना शोर मचा रहे हो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैथ्स की स्पेलिंग भी नहीं आती जो मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो। लाओ मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। आम 2 रुपए का है। ओके ओके एक आम की कीमत 2 रुपए है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगर राम ने 7 आम खरीदे ये भी ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि राम ने कुल कितने पैसे दिए। अरे मेरी इज्जत का सवाल है, छोटू का होमवर्क नहीं किया तो मेरा मजाक उड़ेगा। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारी वैन में बैठ के होमवर्क कर लूं। जान भरेगा डॉन। जिसने मुझे हमेशा भेजा जेल में उसकी मदद करेगा ये डॉन। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। जॉन भैया एक बार मुझे ये होमवर्क कर लेने दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं जेल भेजूंगा। हाँ ओके ओके, इसे और न रुलाओ, जल्दी से इसे अपनी वैन में ले जाओ। वेलकम। जॉन बनेगा डॉन। आज के बाद मोटू गया ऊपर, अब मुझे जेल भेजेगा कौन। एक ग्लास पानी मिलेगा। जॉन बनेगा डॉन। अरे मैं होमवर्क नहीं कर पाया। हर तरफ शोर है, हर तरफ अशांति है। मैं चाय वाले का हिसाब कर रहा था, एक समोसा 2 रुपए का हुआ और मैंने 7 समोसे लिए, तो कुल कितने रुपए देने होंगे। अरे 14 रुपए और कितने। अरे यही तो छोटू का सवाल है। आम लिखा था तो कंफ्यूज हो गया। अब हर सवाल में समोसा फिट कर दूंगा। अभी बैठ के होमवर्क करता हूँ, वो भी अपने घर में। समोसे के साथ ये करोड़ों की मैथ्स मुंह जुबानी कर सकता है। मुझे मालूम था कि ये दोनों यही है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसी बॉम्ब से इन्हें फोड़ दूंगा। एक बॉम्ब, एक ब्लास्ट और सब खत्म। आहा, पेंट करने में जो मजा है वो किसी काम में नहीं है। देखो कमरा कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। चलो चल के कुछ समोसे खाते हैं। समोसे खाने के लिए अभी लंच ब्रेक हुआ नहीं है, चलो टेरेस पे चलते हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ। नहीं छोड़ूंगा। हाय मेरी कमर तोड़ दी उसने, नहीं छोड़ूंगा। चलो ऊपर चलो। ये काम भी बहुत अच्छा है। पहली बार हमें ऐसा काम मिला है कि करने में मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है वो हमसे पूछो। चलो अटैक। बॉस अटैक कैसे? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। वो 2 है और हम 3, फिर भी डरते हो? बहुत नाइंसाफी है। बॉस हम 3 नहीं, 2.5 है। 2.5, 1, 2 और हाफ टिकट आप। 2.5 अब लंच ब्रेक हो गया, चल के समोसे खाते हैं। मोटू मेरे यार, ये केमिकल पानी में मिला के कार वॉश करो, फिर देखो कार के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी चमक जाएगी। हाँ हेलो जॉन, जॉन जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, बोलो किसने फोन किया है? तू है कौन कौन कौन? बॉस चिंगम ने नाकाबंदी लगा रखी है, मैंने कुछ देर टाइम पास करने के लिए मोटू पतलू के गैराज में अपनी कार वॉश करने के लिए दे दी है। कार वहाँ से हटाओ, कार वहाँ से हटाओ, वरना मोटू पतलू कार के साथ साथ तुम्हें भी वॉश कर देंगे। अब नहीं हटा सकता, वो कार वॉश करने लगे हैं, ऐसे अचानक बीच में से कार ली तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम कार नहीं अपनी किस्मत धुला रहे हो, क्यों ऐसा करके मुझको रुला रहे हो? मेरी सोने की कार वापस लाओ। मजाक कर रहा था। अरे माँ मेरी बाइक! सोने की कार, और वो भी हमारी। सोने की लंका सुना था, सोने की कार पहली बार सुन रहा हूँ। मोटू पतलू, यू आर अंडर अरेस्ट, जेल में जाके मेरा इंतजार करो। अब ये कार मेरी है, मेरी अपनी सोने की कार। बाय बाय। चिंगम सर, ये क्या कर रहे हो? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, खुद चोरी करना नहीं। देखो चिंगम सर, ऐसा काम ना करो, पुलिस का नाम बदनाम ना करो। अरे माँ, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, मैं जाता हूँ चोर पकड़ने। मैं हूँ जान, मैं हूँ जान, और जान बनेगा जान। सोने की कार है मेरी, अब मुझे रोकेगा कौन? मोटू पतलू, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं सरकार से तुम लोगों को इनाम दिलाऊंगा। ये हुई ना बात। हेलो डॉक्टर झटका, मोटू पतलू मेरा पीछा छोड़ दो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। चलो अब पैदल ही पीछा करते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर झटका, ये क्या मुसीबत दे दी, अब क्या करें? मोटू कुछ करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो, लेकिन जल्दी। आइडिया। अरे अब ये डांस कंपटीशन क्यों कर रहे हो? मेरे भाई खूब हो गई इनकी पिटाई, अब चलो भी। पतलू, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। पतलू, पतलू, पतलू। उसके पेट में मेरा कुछ सामान है, अगर तुम कहो तो मैं घोड़े को ले जाऊं। इसके पेट में तुम्हारा सामान नहीं, मेरी गन है। डॉक्टर जट का वो गन मुझे वापस कर देना। और जॉन, तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम भूल गए थे कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। थैंक यू दोस्त, तुमने हमारी बहुत मदद की। मेरे खजाने का नक्शा कहता है यही वो मंदिर है जिसके अंदर खजाना छुपा है। और तो ये दोनों यहाँ भी आ गए। आ तो गए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे उठाओ। बॉस, बॉस, हम बच गए। एक भी तीर हमें नहीं लगा। तुम बच गए, मैं नहीं। बेवकूफो। इतने तीर तो मार दिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे? मेरा पीछा कब छोड़ोगे? बचाओ, बेलजी। बॉस, बॉस। अरे बॉस, खुद तो बच जाए। पापा, डैडी, मम्मी। मोटू, अब जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि बैल को हमारी याद आए। ये मुकुट लेकर भागते हैं। मुकुट छोड़ो और भागो। शुक्र है बच गए। ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। तुम लोगों की वजह से मेरे हाथ से खजाना निकल गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो, वो हमें नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोग मुझे मोटू पतलू का घर बता सकते हैं? हाँ, हम ही मोटू पतलू हैं। क्यों, कोई काम है क्या? हम आपको अपनी एक एड फिल्म में हीरो बनाना चाहते हैं। अब जैसे शाहरुख खान, सलमान खान एड फिल्म में हीरो बनते हैं ना, वैसे ही हम आपको हीरो बनाना चाहते हैं। जय हो। अरे हम तो कब से हीरो बनना चाहते थे। चाय वाले भैया, जरा इनको गर्मा गर्म समोसे तो खिलाओ। लेकिन सर, एड कब शूट करना है? 2 दिन बाद पूरी यूनिट यहाँ आ रही है। बॉस, बहुत खुशी की खबर है। किसकी पॉकेट मारी, किसको तुमने पीटा, जल्दी से खुशी की खबर दो, कितना है रुपया लूटा? बस रुपया नहीं लूटा, खबर ये है कि मोटू पतलू को एड फिल्म वाले हीरो बना रहे हैं और इस संडे को एड की शूटिंग है। इसमें खुशी की खबर क्या है? मैं एड फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैंने क्या किया? बिना धाने की अनार, हर बीमारी के बीमार। तुम तो मोटू पतलू के आदमी हो या मेरे? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे में कविता नहीं सुना रहा। सुनो मेरा प्लान क्या है। थोड़ा और लीजिए, एक समोसा और। बस बस पेट भर गया। चलिए अब लोकेशन देखने चलते हैं। हाँ। सर, एड में काम करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। अगर डॉक्टर या साइंटिस्ट चाहिए तो मैं भी तो। चाय वाले भैया 4 समोसे देना और पैसे कितने हुए ये भी बता देना। क्यों मजाक कर रहे हो डॉन भाया? आज पैसे दोगे कल लूट लोगे। समोसे ऐसे ही ले जाओ ना भाया। अरे आंटी की जान खतरे में है। बचाने वाला चोर तो उसे मार सकता है। कौन? मैं बचाऊंगा। अपनी जान पे खेल के उस बूढ़ी औरत को बचा लिया। दाल में कुछ काला है। अरे माँ, ये जॉन ने तो हमारा नाम ही बदनाम कर दिया। हाँ। वो ये सब एड फिल्म का हीरो बनने के लिए कर रहा है। मोटू कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। बाबा जॉन बनेगा डॉन। मुकुट चोरी करूंगा मैं। अब मुझ पे शक करेगा कौन? जॉन बनेगा डॉन। हीरो का मुकुट है मेरा। अब मुझे रोकेगा कौन? पकड़ेगा। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। देखा आपने, हमने कहा था ना कि ये चोर है, चोर ही रहेगा। वो शरीफ बनने का नाटक सिर्फ आपका एड पाने के लिए कर रहा था। अरे इसके आदमी ही चोरी करते थे, बस हाईजैक करते थे और ये बचाता था। ये भले ही चोर हो लेकिन है कमाल का एक्टर। सोच रहा हूँ अगली फिल्म में इसे हीरो क्यों न ले लूं। फिल्म का हीरो। वेरी गुड। जॉन बनेगा डॉन। जो काम कुर्सी नहीं कर पाई वो काम ये मिसाइल करेगा। अरे जॉन ने तो इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। भाग मोटू भाग, भागने में हमें कोई नहीं हरा सकता। ए भाई, स्केटबोर्ड है तो जल्दी दो। बिना शक्कर की चाय, बिना पूछ की गाय, ये क्या किया? मोटू कुछ करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, मुझे डॉगी नहीं बनाना। बाय बाय डॉन, तुम्हारी देखभाल ये दोनों बहुत अच्छे से करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।